नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा एक ऐसा स्टॉक जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और अगर चाहते हैं कि यार मैं सही डायरेक्शन में चलूं और पैसा बनाऊं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक का आपको मैं नाम बता दूं। भाई स्टॉक का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। तो सर, आपको एक चीज बता दूं मैं कि IRCTC का जो शेयर है ये काफ़ी ऊपर तक जाके आया है, और ये शेयर इसकी जो प्राइस थी पहले काफ़ी ज़्यादा चला करती थी, अभी ये स्प्लिट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइस कम दिखाई दे रही है। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी मैं दे दूँ, तो पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्प्लिट कब हुआ था और इसकी प्राइस पहले क्या चल रही थी, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो मैं आ जाता हूँ स्प्लिट पर। तो यहाँ देखिएगा, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर अगर आता हूँ, यहाँ पर देखिएगा स्प्लिट लिखा है ये वाला, हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2021 को यह शेयर स्प्लिट हुआ है। तो स्प्लिट कैसे होता थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ओल्ड फेस वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 10 रुपए की। अब भाई फेस वैल्यू अलग होती है शेयर की और शेयर की प्राइस अलग होती है। तो फेस वैल्यू जो लोग जानते होंगे भाई, उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि फेस वैल्यू के अंदर यहाँ पर स्प्लिट होता है, यानी कि जो भी फेस वैल्यू होगी उसको स्प्लिट किया जाता है या फिर उसकी प्राइस को स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पर देखेगा फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया गया। अब फेस वैल्यू अगर स्प्लिट होगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट क्या होता है वो थोड़ा समझ लेता है। स्प्लिट मतलब होता है कि शेयर को अगर प्राइस अगर ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि अगर IRCTC अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग यहाँ तक ये पहुंच चुका था, तो इसको स्प्लिट यानी कि हिस्सों में तोड़ दिया गया। सपोज कीजिए आपके पास में अगर IRCTC का इस प्राइस पर अगर एक शेयर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिएगा इसको तोड़ा कितने गया, लगभग 10 के उसकी फेस वैल्यू थी 10 की, तो उसको 2 रुपए के हिसाब से तोड़ दिया गया, यानी कि लगभग एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर आपको दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा 10/2 करता हूँ तो यहाँ पर 5 वैल्यू, यानी कि एक शेयर के बदले अब आपको 5 शेयर अब दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट हुआ है प्राइस। अब प्राइस स्प्लिट क्यों होता है, क्योंकि सब देखिएगा, अगर ज्यादा प्राइस का कोई शेयर अगर रहता है जिस पर अधिकतर लोग ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसकी अगर प्राइस अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको स्प्लिट इसलिए किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में आ जाए। अगर उसकी प्राइस काफी ज्यादा रहेगी तो बहुत ही कम लोग उस पर ट्रेड करेंगे, लेकिन उसकी अगर प्राइस कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो शेयर का प्राइस पहले इतना चला करता था, अब ये शेयर का प्राइस अब देखिए 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि स्प्लिट हो गया, इसलिए यहाँ पर देखिएगा आपका जो प्राइस है करंट में अभी ये 829 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्राइस में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग बात करना चाहूँगा। तो एक बात तो बता दूँ, IRCTC का जो शेयर है काफ़ी शानदार शेयर है और इसके ऊपर हर व्यक्ति की नज़र है, हर ट्रेडर इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि शेयर को मैं ट्रेड करूँ। शेयर जब ज़्यादा अच्छा होता है तो हर कोई उसको ट्रेड करना चाहता है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा तो हर कोई लगाता है, लेकिन शेयर अच्छा मिले तो उसको हर कोई ट्रेड करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका IRCTC जो शेयर है जब स्प्लिट हुआ था तो उसकी प्राइस कितनी थी, हम समय थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं इस पर ले आता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर, और यहाँ पर देखेगा, ये देखेगा IRCTC का जो पहले जो प्राइस चल रहा था यहाँ तक चल रहा था लगभग ये 4334 का इसका हाई था लास्ट, इसके बाद ये स्प्लिट हुआ, और इसके बाद देखिएगा 28 तारीख को यहां से देखिएगा आपका जो प्राइस आया था 813 रुपये और हाई देखिएगा 983 रुपये का। इसके बाद करंट में भी यहीं पर चल रहा, थोड़ी मैं जूम इन कर लेता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगे। ये देखिएगा अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो यहां देखिएगा इसका पहला कैंडल यानी कि 28 तारीख को बना था, इसके बाद अगला कैंडल ये रहा, अगला कैंडल जब जनरेट हुआ था तो मार्केट एकदम गिरा था, इसका लोअर पॉइंट जो था वो 649.45 रुपये तक गया था। तो ये वैल्यू काफ़ी शानदार थी यहाँ पर बाइंग करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसको माल उठाया भी होगा। इसके बाद देखिए मार्केट फिर से ऊपर आया और 800 की रेंज में फिर से मार्केट आया, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि अब इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। क्यों? क्योंकि सब बात ये होती है, अगर आप 4000 रुपये के स्टॉक के अंदर खरीदारी करना चाहते थे तो पहले क्या था, अभी 4000 का स्टॉक इसके अंदर क्या होगा, पहली बात तो 4000 पे करोगे तब जाके एक शेयर मिलेगा। इसकी प्राइस जैसे मान के चलिए 4200 हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास अगर एक ही शेयर है या फिर 10 शेयर है अगर आपके पास में, तो कितना बड़ा,
तो यहाँ पर लगभग 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि अपना जो मार्जिन था पहले ज्यादा लग रहा था, ज्यादा पैसा में हम लोग इसके अंदर काम कर पा रहे थे। अब लेकिन सपोज कीजिए आपके पास लगभग 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट समझाना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं एग्जाम्पल दे लेता हूँ, ये देखिएगा। सपोज कीजिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास 4,000 रुपए का शेयर अगर चल रहा है तो कितने शेयर आप परचेस कर पाते हैं? लगभग आप 25 शेयर परचेस कर पाते हैं। और 25 शेयर अगर परचेस आप करते हैं, सपोज कीजिए वो लगभग 100 रुपये बढ़ जाता तो कितना आपको पैसा मिलता? लगभग आपको है 25 रुपये इनकम होती है। लेकिन ये शेयर आपको अब मिल रहा है आपके मतलब कि बिल्कुल छोटी सी हद में, लगभग 800 रुपये के आसपास मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 लाख रुपये का मार्जिन अपने पास है होल्डिंग करने के लिए और 800 रुपये में शेयर मिल रहा है, तो भाई कितना आपको शेयर मिल जाएंगे? अब आपको यहाँ पर 125 शेयर मिल जाएंगे। सपोज करो 800 शेयर 900 अगर हो गया, ठीक है, तो कितना पैसा मिलेगा? ये लगभग देखिएगा 12,500। तो कहाँ 2,500 आपको मिल रहे थे 1 लाख के बदले में, अब आपको कहाँ प्रॉफिट ज्यादा हो गया लगभग 12,500 रुपये का। तो क्या होगा, अब हमारी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, कम प्राइस में शेयर मिल जाएगा, जिससे हम इजिली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो IRCTC अभी अगर दाव लगाने की बात करूं, इसको ट्रेड करने की बात करूं, तो सही टाइम है, बिल्कुल आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के पीछे रीजन क्या क्या बता दूं, अभी देखिएगा जो नया है आपको यहां पर बन के आया पूरा ग्राफ आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, अभी देखिए करंट में यहां पर देखिएगा आपको सारी वैल्यू मिल जाती है, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट सारी चीज मिल जाएंगी। अगर मैं इसका चेक करूं पीई रेशियो, तो देखिएगा पीई रेशियो अभी करंट में देखिएगा 57.20 रुपये चल रहा है। ये अपडेट अभी नहीं हुआ है, ये जल्दी अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, पीई रेशियो जो होता है मार्केट में जो प्राइस होती है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पर मार्केट की प्राइस हो गई, मार्केट का स्पेकुलेशन हो गया, उसके हिसाब से पीई रेशियो चलता है। तो प्राइस अभी घटी है, डिक्रीज हुई है, तो आपका पीई रेशियो भी जरूर चेंज होगा, ठीक है। बाकी सारी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि बुक वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू आप यहाँ पर देखिएगा, ये अपडेट हो चुकी है, 2 रुपए की यहाँ पर फेस वैल्यू आ चुकी है। EPS भी आप चेक कर सकते हैं, मार्केट कैप अगर चेक करें तो काफी अच्छा है, और यहाँ पर सभी चीजें इसकी काफी अच्छी है, यानी कि उसको देख के हमें ट्रेड डेफिनेटली करना चाहिए। और जो लोग पहले जो मेरे वीडियो देखते थे, जो मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहता था कि आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, जो लोग जितने भी लोग हमारे ये वीडियो देख के अपडेट करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाए हैं, क्योंकि मैंने IRCTC के जो शेयर था वो 1,300 रुपये से पहले बाय करवाया था पिछले साल की अगर बात करूँ तो। और शेयर देखिएगा 4,300 रुपये तक की प्राइस घूम के आया, आप तो खुद चेक कर सकते हैं आपका रिटर्न कितना शानदार आपको मिला है। तो आप इसी तरह हमसे बने रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। अब मैं आपको डेली बेसिस पर ऐसे वीडियो देने वाला हूं कि आपको किस शेयर के अंदर एंट्री करनी चाहिए, कहां पर आपको आपका पैसा लगाना है, वो सारी अपडेट मैं आपको डेली बेसिस पर देने वाला हूं। तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो साथ, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू।